जनपद चमोली में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। प्रगति बैंक्वेट हॉल गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीएम चमोली राजकुमार पांडे, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजू बिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान हथकरघा क्षेत्र में समर्थ योजना के तहत प्रशिक्षण पूरा करने पर बुनकरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। मेरा हथकरघा मेरा अभिमान के तहत आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को आज मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का 10वां संस्करण आज पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज इसका मुख्य कार्यक्रम दिल्ली में विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वो वहाँ पे मुख्य अतिथि थे। उस मुख्य कार्यक्रम में चमोली से हमारे दो लाभार्थी बुनकर श्री रामेश्वरी जी एवं श्रीमती रुक्मणी जी वहाँ पे उन्होंने भाग लिया। उसके अतिरिक्त अल्मोड़ा से 6 बुनकरों ने और रुड़की से 2 बुनकरों ने भी उसी कार्यक्रम में हिस्सेदारी की। साथ ही साथ आज हम यहाँ पे गोपेश्वर में चमोली जिले में उत्तराखंड राज्य का हथकरघा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मना रहे हैं। उसमें हमारे पास लगभग 100 प्रतिभागी जो बुनकर हैं विभिन्न क्षेत्रों से जो आते हैं चमोली के, उन्होंने आज इसमें हिस्सेदारी की है। हमारे मुख्य अतिथि आज श्री राजकुमार पांडे जी जो कि उप जिलाधिकारी हैं चमोली के, वो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। इसके अतिरिक्त आज के इस फंक्शन में हमने स्कीम की विभिन्न जानकारियाँ बुनकर समाज के साथ साझा की। उसके साथ साथ उन लाभार्थी बुनकरों को जिनको वर्कशीट मिला है या कोई और हमारी तरफ से लाभार्थी स्कीम प्रोवाइड हुई है उनको हमने प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया। साथ ही साथ हमने यह ध्यान दिया कि जो हमारे यहाँ पे जो युवा पीढ़ी है चमोली की जो कि केंद्रीय विद्यालय एवं पीजी कॉलेज गोपेश्वर में है, उन्होंने हमारे हथकरघा जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया एवं वहाँ से जो विजेता कहते हैं विद्यार्थी थे वो आज हमारे इस क्या कहते हैं प्रोग्राम में सम्मिलित हुए और उनको भी प्रशस्ति पत्र एवं गिफ्ट देकर के हमने सम्मानित किया। केंद्र खोले गए उनके लिए जो उनके प्रशस्ति पत्र दिए गए और उसके अलावा जो बुनकरों ने अच्छा काम किया उनको प्रमाण पत्र वितरित किए गए। उसके अलावा कुछ जो यहाँ पर हैंडलूम का लोगों को केंद्र खोला जाना था उनके लिए उनको प्रमाण पत्र। सबसे सर्वप्रथम तो मैं 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की सभी को बधाई देती हूँ, अपने सभी बुनकर भाई बहनों को जो कि बड़ी मेहनत लगन से इस कार्य को करते हैं। अपना जो है पहनाव वगैरह जो हम लोगों का होता है अपने हाथों द्वारा बनाया जाता है और हमने हमेशा हमने जो है इसको हैंडलूम दिवस को जो है बड़ी उससे साफ सुथरा मनाते हैं। और मैं भी एक बुनकर हूँ क्योंकि मैं मेरे साथ जो है काफ़ी महिलाएँ कार्य करती हैं जो कि हमारे यहाँ मेरे यहाँ 8-10 लगे हैं स्टॉल मॉफलर वगैरह बनाते हैं। और मेरे साथ कई एक महिला ऐसी हैं जिसका भी नेशनल अवार्ड के लिए गया है, उसने एक दिन एक महीने के अंदर बहुत ही मेहनत से जो है अपना 4 धाम का बहुत सुंदर वॉलनी बनाया है, लेकिन यह है कि उसका सेकंड राउंड तक गया। मेरी उम्मीद है और आशा करती हूँ उसकी मेहनत जो है अच्छी काम सफल होगी और आगे आने वाले भविष्य में वो जो है नेशनल अवार्ड पाएगी। हमने उसने भी शिल्प रत्न पुरस्कार पाया है और मुझे भी शिल्प रत्न पुरस्कार मिला है उत्तराखंड का। आगे हम भी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे कार्यदान बनाएं, अच्छे से अच्छी चीज़ें बना के अपने जो है उत्तराखंड का नाम रोशन करें, ताकि हम लोग कोशिश करेंगे पूरी कि हमारे उत्तराखंड की भी किसी न किसी महिला को, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो अन्य, किसी न कोई जो है हैंडलूम मतलब जो है नेशनल अवार्ड जो है प्राप्त करें। और अब मैं एक बुनकर हूँ, मैं 32 सालों से बुनाई का काम करती हूँ जिसमें अभी मैंने शिल्प रत्न पुरस्कार के लिया है और यही उम्मीद है कि आगे भी मैं अभी एक 4 धाम का बनाया था मैंने नेशनल अवार्ड के लिए, परंतु वो थोड़ा 2 राउंड तक गया बट अभी नहीं हो पाया है। फिर मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं इसी कार्य को करती रहूँगी, 4 धाम का फिर बनाऊँगी और आगे नेशनल के लिए दूंगी। बाकी सभी भाई बहनों से यही उम्मीद करती हूँ कि बुनाई का कार्य करें और हमारे जैसे बने।